क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी स्कूल के फाइनल पेपर में आता है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मैंने खुद अपने आंखों से 3 बार आता देखा है लगातार, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मोमेंटम कैरी करती हैं, एनर्जी कैरी करती हैं और कितना करती हैं, और कुछ एग्जांपल दो जिससे ये पता लगे कि उसमें एनर्जी कैरी करती है। तो आपने बोलना है हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, हाँ मोमेंटम भी कैरी करती हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी यू है, लिखा हुआ है मैंने ईएम वेव ट्रांसपोर्ट्स लीनियर मोमेंटम एंड ऑल्सो इट ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी, अगर ईएम वेव के पास एनर्जी यू है तो कितना मोमेंटम कैरी करती है, ये फॉर्मूला नोट कर लें, यू बाई सी। ईएम वेव का मोमेंटम कैरी करने का फॉर्मूला यू बाई सी, एनर्जी अपॉन सी स्पीड ऑफ लाइट करेंगे तो मोमेंटम की वैल्यू आएगी। तो अगर कोई ईएम वेव किसी सरफेस पे गिरे तो कितने मोमेंटम से गिरेंगी, इतने मोमेंटम से गिरेंगी, और ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब सारी की सारी ईएम वेव एक सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर मान लो आपकी सरफेस चमकने वाली सरफेस है और पूरी ईएम वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है तो आपका मोमेंटम फिर डबल हो जाएगा जाने और आने का, पी एंड पी चेंज इन मोमेंटम टू पी, तो आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा, टू यू बाई सी, ये याद कर ले। तो अगर वो क्वेश्चन में गिवन होगा सरफेस सिर्फ एब्जॉर्ब करने वाली है तो सिर्फ पी क्या आएगा, यू बाई सी, और अगर रिफ्लेक्ट करने वाली है तो टू यू बाई सी, ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है? तो वो पूछेगा कि कोई एग्जाम्पल दो ई एम वेव के अंदर एनर्जी है, तो आप बोलना जी मैं धूप में खड़ा था, मतलब अपने वर्ड्स में आप धूप में खड़े हो जाएं, तो सोलर जो एनर्जी है उसके अंदर क्या है, लाइट, लाइट भी है और साथ में इंफ्रारेड रेज भी हैं जो कि ई एम वेव है, जिससे और उसकी प्रॉपर्टी है कि किसी भी सरफेस पे गिरे तो वो पॉइंट, वो बॉडी गर्म हो जाती है, और इंफ्रारेड रेज गिर रही हैं तभी बॉडी क्या हो रही है, गर्म हो पा रही है, नहीं तो गर्म ना हो पाती। माइक्रोवेव का एग्जाम्पल दें, टेलीफोन का एग्जाम्पल दें, जो मर्जी एग्जाम्पल दें, अपने मन से कोई एग्जाम्पल दें, तो ऐसे वो पूछेगा क्वेश्चन। ठीक,